गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मुझे पता चला है कि इस शो में एक विनर की जरूरत है, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों के लिए ले गया हूं खूबसूरत टैलेंटेड द वन एंड ओनली कपिल शर्मा. तालियां तालियां मत बजाना कमबख्तो. बिना मतलब के तालियां बजा बजा के तुम लोगों ने ऐसे लोगों को चैंपियन बना रखा है. मैं करूंगा आप लोगों के लिए कॉमेडी. और सर ये चीजें मत बिठाया करे, आदमी लाइन भूल जाता है. मैं करूंगा आप सब लोगों के लिए कॉमेडी और आपके मनोरंजन के लिए लेके आया हूं एक खूबसूरत सेक्सी पार्टनर. प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली द सेक्सी लेडी ऑन द अर्थ, मल्लिका. वाओ मल्लिका. मल्लिका नहीं, नताशा. तुम मेरी पार्टनर? हाँ, मतलब तुम मेरे पार्टनर. जानते हो मैं कौन हूं? मैं हिट टेलीविजन सीरियल की टैलेंटेड लीड हूँ. तो वो तो फिर सीरियल टैलेंटेड हो गया ना, तुम क्या हो? तुम्हें पता मैं कौन हूँ? मैं कॉमेडी शो का विनर हूँ, विनर. अच्छा चलो जो भी हो, पर मेरे पार्टनर बनने लायक तो बिल्कुल नहीं हो. इन लोगों ने तो मुझे कहा था कि बोमन ईरानी देंगे. बोमन ईरानी देंगे? जैसे तुम्हारी शक्ल है तुम्हें स्मृति ईरानी देते काफी है. बदतमीज लोग. मुझे कह रहे थे मल्लिका शरावत देंगे. मल्लिका को कौन सा कॉमेडी करनी आती है? कॉमेडी आए ना आए उसको देख के मजा तो आता ना. मैं यहाँ से जा रही हूँ. ड्राइवर गाड़ी निकालो. ड्राइवर गाड़ी निकालो? पहले ड्राइवर को गाड़ी ले तो दो. बड़ी आई कॉमेडी करने वाले, जा तेरे साथ कॉमेडी कौन करता है. ड्राइवर ड्राइवर तो मैंने रखा ही नहीं है. ड्राइवर 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 किधर मर गया कंबख्त. ड्राइवर ने रखा तो क्या है, ड्राइवर के भरोसे रहना नहीं चाहिए. आजा मेरे ऑटो में बैठ जा, आजा मेरे ऑटो में बैठ जा. ओए 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 ओए, इतनी सवारियां. अर्चना साहब कैसी हैं आप? अरे यार आप ही है ना अर्चना जी? नहीं वैसे खूबसूरत जितनी है लग तो यही रहा है, लेकिन मार्केट में जो अफवाह उसके हिसाब से वो लग रहे हैं. जी भैया पहचाना मुझे आपने? नहीं पहचाना ना, मुझे पता है. एक्चुअली मैं आपकी हर फिल्म देखता हूँ बालकनी में बैठ के. पर्दे से दूर बड़ी होती बालकनी, फिर नजर नहीं आता कभी. क्या कैसे पहचानेंगे? वैसे अर्चना जी ऑटो का अपना ही मजा है. ऑटो में बैठ के जो रोमांस होता ना, जो आप समझ रही है ना. हाँ बिल्कुल. मैं भी किसको बता रहा हूँ, आप इसे देख देख कर तो सब कुछ सीखा है. ऑटो ऑटो ए ऑटो ए ऑटो, क्या मेरे पेट पे इंजन लगा के मैं धुआं छोड़ रहा हूँ? ए ऑटो. ऑटो को ऑटो नहीं कहेंगे तो क्या एरोप्लेन कहेंगे? चलोगे? नहीं अभी मेरे धंधे का टाइम है. बेवकूफ, अंधेरी चलोगे? आजकल लड़कियां अंधेरे में जाकर खुश होती, अंधेरी चलोगे? वैसे चलो अपनी अपनी किस्मत, अब आपकी नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ. शट अप, मुझे बहुत लेट हो रहा है, जल्दी करो. तो पहले हो लेने दो फिर चलते मैडम. ओह गॉड, एक सेलिब्रिटी से इस तरह बात की जाती है? आप सेलिब्रिटी हैं? हाँ, मैं डेली सोप करती हूँ. डेली सोप करती हैं? वैसे अगर आप डेली शैम्पू करती आपके बाल और खूबसूरत होते. दफर, तुम डेली सोप के बारे में कुछ नहीं जानते. डेली सोप मतलब मैं मंडे टू फ्राइडे सीरियल में काम करती हूँ. मंडे टू फ्राइडे, संडे शाम का रख लें फिर. क्या? नहीं ओ, आप तो बैठने वाली लड़कियों में से निकली. आइए बैठिए मैडम, बैठिए. अंधेरी जाना ना आपको. बैठिए बैठिए, घबराइए मत, अपनी गाड़ी समझिए. म्यूजिक की शौकीन है आप? ज्यादा नहीं, बस बाथरूम सिंगर हूँ. अच्छा बाथरूम सिंगर है, तो हमें बुलाएं किस दिन महफिल में फिर? मतलब आप तो खामखा नाराज होगी, मेरा मतलब थोड़ा इधर होके बैठे मैडम, शीशे में आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा. बकवास कम करो और ऑटो शुरू करो. मैडम आप खामखा गुस्सा कर रही, मेरा कहने का मतलब है आपको कहीं देखा लगता है मैडम. कहा ना मैंने, मैं सीरियल में आती हूँ. शरेआम झूठ, ऑटो में आती हूँ कहती सीरियल में आती हूँ. वैसे मैडम अंधेरी वेस्ट में जाना किधर आपको? कॉमेडी सर्कस के सेट. कॉमेडी सर्कस? उधर क्या करने जाना आपने? उधर क्या करने जाना आपने? अरे कॉमेडी और क्या. कॉमेडी? एक सेकंड, बाहर आइए बाहर आइए, इधर आइए. कॉमेडी करेंगी आप? हाँ. जितनी खूबसूरत आप हैं आप फ्लर्ट करें, कॉमेडी क्यों करना चाहती हैं आप? वो मैंने कभी कोई कॉमेडी शो नहीं किया था इसीलिए. लो
अब मैंने कभी फैशन शो नहीं किया, इसका मतलब मैं चड्डी पहन के एफटीवी चला जाऊं? ज्यादा बकवास मत करो, वैसे भी ना सुबह से मेरा दिमाग और मन बहुत ही खराब हुआ है। ये कॉमेडी सर्कस वालों ने मुझे बहुत ही नॉन सीरियस पार्टनर दिया है। तो मैडम कॉमेडी नॉन सीरियस बंदे करते हैं और आपको पार्टनर ललित मोदी दे दे। शट अप, मैंने कहा ना मेरा मूड बहुत खराब है। मैडम आपका मूड तो मैं यूं बना सकता हूं, यूं यूं यूं। वो कैसे? रहने दो मैडम, अगर आप इंप्रेस हो गई मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शट अप बदतमीज। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब मैं गाता बड़ा अच्छा हूं, मैं आपको गा के सुनाता हूं, आपका मूड यूं बना दूं, यूं यूं। नहीं, मुझे पता है लड़कियों की नाम है, हाँ होती है, गाना सुनाऊं? अरे तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, पार्टनर हूं मैं तेरे काम का, पहचाना हूं मैं अनजाना नहीं। कपिल, सुबह से दीनदयाल समझ रही थी। कपिल तुम कितना अच्छा गाते हो और तुम तो कॉमेडी भी अच्छी खासी कर लेते हो। क्या यार, मैं तो ऐसे ही सुबह से तुमसे झगड़ा कर रही थी। मेरी प्रॉब्लम ये, मेरे से ना लड़कियां थोड़ा देर बाद इंप्रेस होती हैं, और मैंने एक चीज देख ली, लड़कियां गाने से इंप्रेस होती हैं। एक और गाना सुनाऊं? नहीं नहीं, शेर वाली ये ओ माय मेरी ये। कपिल चुप मत गाना, बिल्कुल मत गाना। क्यों? सब कुछ अभी कर दोगे तो म्यूजिकल एपिसोड में क्या करोगे? जैसे तुम पार्टनर हो ना, मुझे नहीं लगता म्यूजिकल राउंड में पहुंचूंगा मैं। इसीलिए सारा टैलेंट इसी एक्ट में दिखा देना चाहता हूं मैं। अच्छा, अब अपनी चपड़ चपड़ बंद करो और जल्दी से सेट पर पहुंचाओ। सेट पे क्या, तुम अपनी चपड़ चपड़ कम करो तो मैं फाइनल तक भी पहुंचा दूंगा मैं। लेकिन फाइनल पे पहुंचना इतना आसान कहां है? क्यों? पता है ना मुकाबला किस किस से है? अपना तो सिर्फ जजेस से है, बस वो नंबर देते रहे, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन कृष्णा और सुदेश का क्या करोगे? कृष्णा सुदेश? जिस हिसाब से कृष्णा सुदेश को मारता है ना, वो बुजुर्ग चार दिन में खुद ही नहीं बढ़ जाएगा। अच्छा, लेकिन अली और स्वप्निल? अली और स्वप्निल, छी छी, वो तो इतने गंदे, आपस में कुछ ना कुछ कर लेंगे, छोड़ो उनको। अपना असली मुकाबला है राजीव और सलोनी से। हाय राम, फिर तो जीतना मुश्किल है। अरे काहे का मुश्किल है, देख सलोनी तेरे बराबर, ठाकुर ना के बराबर, हम लोग जीत गए। बस तुमने ये सेटिंग कर दी ना, अब देखो कि मैं तुम्हें कैसे जितवाती हूँ। अब देखो मैं तुम्हें कैसे जितवाती हूँ, गोविंदा साहब दूसरे एपिसोड में नहीं आने वाले। देखता हूँ तुम्हें कैसे जितवाती हूँ, दिखाइए जरा कि आज क्या देते हैं आप इनको, जरा दिखाइए जरा।